वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम खेलने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम जो एक इंडियन डेवलपर ने बनाया। मेरे ख्याल से इंडियन मतलब मेरे ख्याल से इंडिया का दूसरा गेम होगा ये। इससे पहले हमारे पास एक राजी गेम था। ये गेम अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, बट इसका एक छोटा सा इन्होंने पहला ट्रेलर आई थिंक कह सकते हैं पहले लेवल या फिर डेमो दे दिया है स्टीम पर, जो मैं आप लोगों के साथ खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं और किसी ने इसके बारे में वीडियो बनाई भी नहीं है, तो मैंने सोचा हम इसकी शुरुआत कर देते हैं। और ये गेम मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हिंदी पे भी हैं और पीसी पे मेरे ख्याल से दूसरा गेम ही है ये राजी के बाद। राजी भी मैंने अपने चैनल पे नहीं खेला, एक इंडियन मिथोलॉजी गेम है वो हिंदुइज्म के बारे में। बट इस गेम को हम पकड़ते हैं, इसका नाम है पैलेस ऑन द हिल, यानी एक किला पहाड़ पे ऐसा ही हुआ ये। तो ये डेमो है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। पर स्टार्ट करने से पहले मैंने इसका म्यूज़िक थोड़ा सा कम कर दिया तो काफ़ी तेज़ है, मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ये इतना ठीक है, हाँ इतना ठीक है, मेरी आवाज़ भी आ जाएगी इसमें। और बढ़िया, तो गेम को स्टार्ट करते हैं। ये एक मैनेजमेंट गेम है बाय द वे, तो हमें इसमें मतलब जो हम गांव के पास रहते हैं, इसमें इंडियन गांव है एक, और हमें अपनी नॉर्मल मतलब खेती वेती करनी है, दूध निकालना है, खाना बनाना है और बस नॉर्मल चीज़ें इसके अंदर देखते हैं। तो चूज़ लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट। ओए बहुत बढ़िया, हमारी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज होगी इसके अंदर, अभी बढ़िया यार, मेरे लिए फ़ायदा हो गया। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर वॉइस एक्टिंग है भी नहीं, हमें पढ़ना ही पड़ेगा खुद। बहुत बढ़िया यार ये, मतलब ये इंडियन किसी उसने ही बनाया, डेवलपर ने, बहुत ही बढ़िया यार। प्रेस एनी की टू स्टार्ट, शायद ये हम है। ओके एक मिनट मैं मेरी रिकॉर्डिंग चेक करूँ। ओके बढ़िया। ओए अच्छा, ये मेरे टास्क वगैरह हैं। ओके बहुत बढ़िया, ये छू सकता हूँ मैं, अभी नहीं सो सकते। अबे यार इसके अंदर हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है अभी नहीं सो सकते। मैं इसकी थोड़ी आवाज़ बढ़ा देता हूँ गेम की, इसका क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। होपफुली आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। क्या है, काला आर्ट कॉलेज रैंक नंबर वन इन दी कंट्री। अच्छा कला आर्ट कॉलेज रैंक नंबर वन इन द कंट्री, तो मैं पढ़ाई की तैयारी कर रहा हूँ किसी और, मैं किसी गाँव में रहता हूँ। तो ये मेरी अखबार है और इसके अंदर मैथ की किताब है और कुछ पेंटिंग है। ये क्या है, फर्स्ट वीर रेनबो आर्ट कॉन्टेस्ट, ये मेरी मम्मी की तस्वीर होगी। बेस्ट स्टूडेंट क्लास टेंथ वीर, तो मैं टेंथ क्लास में हूँ यानी, तो बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं भाई, बोर्ड्स की तैयारी चल रही है, बाहर चलते हैं। उत्तरी गांव है ये तो पूरा, ठीक है इन्वेंट्री। अच्छा बीज, अब ये क्या है, बीज ई पे लिखा हुआ है, बीज लगाओ, बहुत बढ़िया, ये बढ़िया, मैंने सही सेट करी लैंग्वेज। वीर अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए तुम, अच्छा तुम्हारे स्कूल में छुट्टियां हैं, बे भाई मुझे लगा गाली लिखी है। बेटा एक बात करनी थी तुमसे, इस साल हमारी फसलों में काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी कर्जा चढ़ गया है, हमें बहुत मेहनत करके गुजारा करना पड़ेगा, तुम्हें अब खेत में काम करना पड़ेगा, यही हमारी ज़िंदगी है। मेरे पास ये टमाटर के बीज हैं, इनको लगाओ और पानी डालो। अबे यार तो मतलब पढ़ाई नहीं कर सकता मैं, लगाने के बाद मुझे बताना। इन्वेंट्री खोलने के लिए आई दबाओ, तो ये हमारे पास आ गए टमाटर के बीज। भाई ये सब छोड़ो, मेरी पढ़ाई का क्या होगा भाई, हटाता हूँ मैं। खेती सीखो, बगीचे में दो टमाटर बीजो और पौधों में पानी दो। मुर्गी है मेरी, ये हमारी गाय है। ओए दूध निकालना भाई, दूध मिल गया हमें, ठीक है गोबर, ठीक है खाद मिल गई। मेरे ख्याल से नीचे जाना होगा हमें बगीचे में, पापा ये रहे। बीजने के बारे में कोई बात नहीं, अच्छा मेरे पास ऑप्शन है बीजने के बारे में या फिर कोई बात नहीं, अच्छा बीजने के बारे में, जाओ जाकर दो बीज के पैकेट वहाँ पे लगाओ। अबे यार कितना बढ़िया है, किसने बनाए ये, मतलब ये लैंग्वेज ऐसे होनी चाहिए ना, राजीव भी होनी चाहिए थी। देखते हैं आगे, पौधों में पानी दो, कौन सा बगीचा है, ये वाला मेरे ख्याल से, ये भी नहीं है, ये तो काटना है। क्या मिला, चाय की पत्ती, ये भी झाड़ियाँ हैं, क्या है सूखी लकड़ी, और जी हमें मिल गया
तुलसी की पत्ती, भाई ये तो बहुत बढ़िया है। एक और तुलसी के पत्ते होंगे मेरे ख्याल से ये भी। हाँ तुलसी के पत्ते लगाऊँ कहाँ, मेरा बगीचा कहाँ है? यही है शायद, यहीं पे आ रहा था ऑप्शन अभी। ये भी नहीं है, ये बम्बू है, बांस। तो मतलब मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ये कर रहा हूँ अब। क्यों भाई, फिर उसका क्या होगा मेरा 10-10वीं के पेपर का? मोटू भैया वीर यार, क्या तूफान आया था कल रात, सुबह उठकर देखा कि ये पेड़ टूटा पड़ा है, आज मुझे इसे काटना पड़ेगा झील का रास्ता चालू करने के लिए। इतना बड़ा पेड़ गिर गया, इसको काटने में तो 2 दिन लग जाएंगे। तेरी छुट्टियों का क्या प्लान है? रुक मैं बताता हूँ, तू तो बस पेंटिंग ही बनाएगा। हाँ हाँ मजाक कर रहा हूँ, मुझे ये रास्ता ठीक करने दे, फिर मैं तेरे लिए एक नौका बनाऊँगा और तब तू चैन से बैठ के बस पेंटिंग बनाना। यार पेंटिंग को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ वो कहाँ करना है, खुल सकता है किसी और का बगीचा है मेरे ख्याल से। तो ये रास्ता बंद है, वो पापा ने बोला है कि बगीचे में 2 टमाटर बीजो, पर बगीचा मिल नहीं रहा है मुझे। हमें मिल गया कार्टमेंट के बीज, ये सनफ्लावर है, सूरजमुखी का बीज। ओके सीढ़ियाँ बंद है, यहाँ पे भी रास्ता होगा मेरे ख्याल से, एक टूटी हुई सीढ़ी। आगे चलते हैं, मैं मेरे ख्याल से मुझे वापस जाना चाहिए। अच्छा ये बम्बू आ गया आपका बांस, मुझे शायद यही लग रहा है मुझे, बट यार यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है बीज काटने का, मतलब बीज डालने का। खेती सीखो। अरे ये रहा यार, मैं गंदा हूँ, टमाटर के बीज लगाओ। तो यहाँ लगा देते हैं 2 टमाटर के बीज बोने ना। अच्छा एक तो ये हो गया, एक और लगा देता हूँ। पानी डालना पड़ेगा मैंने पौधों में, पानी दो, पानी हैंडपम्प से निकालो। अच्छा बर्मल दबाओ बार बार पंप चलाने के लिए, अबे तो बड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर। अबे होल्ड करना था भाई, बहुत बढ़िया। इसमें पानी तो आ नहीं रहा बर्मे में। अच्छा ऐसे करना है, अबे यार ये तो रियल की तरह डाल रखा है एकदम, रियल में जैसे हम बर्मे को दबाते हैं। बहुत बढ़िया, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, मैं तो सीरीज बना दूंगा इस पर सही में। ये दूसरे बीच पे भी डाल देते हैं, बड़ी जल्दी निकल गया टमाटर। अब पिताजी से मिलते हैं। अच्छा काम किया, अब और बीज लेके लगाओ अपने खेत में, अपने पौधों की देखभाल करो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। अब बाज़ार में जाके सैम को मिलो, वो तुम्हें काम दिलाएगा, वो साहूकार की दुकान पे होगा। बाज़ार में सैम को मिलो। अच्छा हमें बाज़ार जाना है अब, बट ये रास्ता तो बंद है। यहाँ पे कौन काम कर रहा था, भूल गया मैं, मुट्ठू। कैसा चल रहा है अभी? नहीं एक और दिन लगेगा, लग जाएगा अभी तो। अच्छा बाज़ार में जाऊँ किधर से मैं, पहले बांस काट लेता हूँ। तो मेरे पास ये सारा सामान आ गया है, इन्वेंट्री में चेक करते हैं, ये सारा सामान मेरे पास है, बहुत बढ़िया। इसमें लिमिट तो होगी मेरे ख्याल से। अच्छा ये सब कुछ ये मेरा सामान है, ये फसल का एरिया है, ये बीज का है, ये जमा की हुई चीज़ें हैं, और ये है आहार जो खाने पीने का मैं बना लूँगा, पौष्टिक आहार। कौन है फादर? अच्छा तुम्हें खेती के व्यापार के बारे में भी सीखना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए प्लॉट तैयार कर रहा हूँ, तुम्हें समझ आएगा कि खेती करने में बहुत श्रम और धैर्य लगता है। ये प्लॉट तैयार करने के लिए 500 रुपये और 20 खाद लगेगी। अच्छा खेती के लिए प्लॉट 500 रुपये जमा करो और 20 खाद जमा करो, वो खाद तो उससे मिलेगी आपकी भैंस के पास से, यहाँ पे एक ही अभी हम शायद ये रास्ता है। काम ढूंढो। अच्छा बाज़ार में सैम को मिलो,
यार बहुत सारी चीजें हैं इस गेम में करने के लिए, किसने भी बनाया बहुत बढ़िया गेम बनाया है। चाय की पत्ती निकाल लेते हैं। ये चाय की पत्ती के ऐसे होते हैं पेड़, ऐसे तो नहीं होते रियल में इतने छोटे, या अलग चाय होगी। सागे, सागे की पत्ती, सेज की पत्ती, लकड़ी। अच्छा तो पूरा गांव है, हम अभी बाद में जाऊंगा मैं भाई बाजार बाजार, पहले पूरा ढूंढ घूम लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। कीचड़ है शायद, इसमें जा नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे हम। ओ वाओ, नदी। ब्राह्मी की पत्ती, तेज की पत्ती, अंदर जाते हैं। ठीक है, कलेंडुला की पत्ती। अबे किस किस की पत्तियां हैं, लकड़ी। राज, हमारी दुकान पर आपका स्वागत है, कुछ भी टूटा फूटा ठीक करवाने के लिए मेरे पास आओ। अच्छा ये हमारी शॉप है। अच्छा पैसे लगेंगे ना इसमें, तो पैसे है नहीं मेरे पास। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। कुछ पुराने कुम्हारी के औजार। लता, वीर काफ़ी समय से तुमसे नहीं देख तुम्हें नहीं देखा, पढ़ाई में बिज़ी हो गए? मैं भी बहुत बिज़ी हूँ आजकल, मिट्टी की बर्तनों के काफ़ी ऑर्डर आ रहे हैं शहर से। अच्छा यहाँ से देखते हैं, पीछे से रास्ता है जाने का? नहीं है, इनके आंगन से ही निकलना पड़ेगा। चलते हैं, यहाँ से तो मैं आया हूँ, ये मेरा मेरे घर का है, यहाँ पर जाना होगा मेरे ख्याल से मुझे। ये दो रास्ते आ रहे हैं बट यहाँ, अच्छा ये शहर का होगा। पहले पीछे देख लेते हैं कुछ हम भूल ना जाएं। खाद मिल गई, और 20 खाद जमा करनी है ना मुझे, मेरे पास दो हो गई हैं, 20 चाहिए। किसी की भी भैंस की मैं निकाल लूँगा क्या मैं दूध, जो दिक्कत हो जाएगी, चोर बोलेंगे। ये बंद है, हाँ गेट बंद है। अरे हवलदार बालदेव, बलदेव बिना परमिट के जंगल में नहीं जा सकते, ये संरक्षित जंगल है। तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर अवैध शिकार हो सकता है, हमें जंगल को बचाना है। मैं तुम्हें जानता हूँ वीर, तुम कोई गलत काम नहीं करोगे, पर नियम का पालन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है बलदेव जी, नहीं जाएंगे हम। पर यहाँ पे कुछ पेड़ वेड़ लगे हैं, वो निकाल लेता हूँ मैं, पत्ती वगैरह। तुलसी की पत्ती मिल गई है और हमें काटमिन के बीज मिल गए हैं। मुझे लग रहा है लकड़ी भी ले लेनी चाहिए मुझे, टाइम बचेगा मेरा, अगर कहीं लकड़ी की बाद में ज़रूरत पड़ गई तो मैं अपनी इन्वेंट्री में से ही निकाल सकता हूँ। अभी हम चलते हैं शहर की तरफ। ठीक है, अजाली के बीज। यार सारा खेत तो मैं ही निकाल ले रहा हूँ, लोग तो मतलब नंगे ही मर जाएंगे। अब चलते हैं शहर की तरफ। अब हमारा था बाजार में सैम को मिलो, मेन काम। अच्छा बाजार, शहर नहीं बोलता, ओके। मीना, ये खराब छुरी मेरे सर पे चढ़ रही है। मेरे बेटे मुठू ने बोला था कि मेरी अच्छी बोटी को तेज़ करवा देगा, पर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, ये ख़राब बोटी ही रह गई है। आजकल बच्चों तो अपने माँ बाप की परवाह ही नहीं है। अगर वो तुम्हें दिखाई दे तो उसे याद करवाना, वो झील के किनारे होगा। अच्छा एक मिशन दे दिया इसने मुझे, वो मिट्टू तो वहीं है ना मेरे घर के पास, वो पेड़ वेड़ साफ़ कर रहा है। झील के किनारे मिट्टू से मिलो और उसे छुरी की याद कराओ, मीना की छुरी वापस लाओ। सरिता, पता है वीर, शहर के लोग सेहत के लिए पालक का जूस पीने लगे हैं, अब सब लोग इसकी बात कर रहे हैं और पालक फटाफट बिक रहा है। हाँ क्या मज़े की बात है, तुम कुछ पालक उगाओ अपने खेत में, मैं अच्छा पैसा दूंगी। बीज ले लो डिंपल की दुकान से। अब इतने सारे मिशन आ गए हैं। सैम, ये रहा सैम। आ वीर, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम्हारे बाबा ने मुझसे बात की थी, मैं उनका दुख समझता हूँ। तुम अब बड़े हो गए हो, अब और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं ढाबे पे देवी से बात की है, वो तुम्हें काम पे रखेगी, जाकर उनसे बात करो और मुझे बताना बाद में। एक सेकंड रुको,
ये पार्सल देवी के पति ने भेजा है शहर से। ये उनको दे दो और उनको बताना कि तुम्हें मैंने भेजा है। अच्छा जी, देवी का पार्सल है। डिम्पल की दुकान से पहले बीज लेना। कैसे हो वीर, क्या चाहिए तुम्हें? ओके, तो उसने बोला था पालक के बीज बहुत चल रहे हैं, 10 रुपए के हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं यार, बाद में लेना पड़ेगा सामान मुझे। सदरुल, कितनी जल्दी बड़े हो गए हो वीर बेटा। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं कठपुतलियाँ बनाता था, जो वो कठपुतली का नाटक दिखाते हैं उनके लिए। मेरे परिवार में हम जन्मों से ये काम करते आ रहे हैं। अब ये कठपुतली की कला ढलती जा रही है, कोई भी अब कठपुतली नहीं बनाता। मेरे ये सपना है कि कभी मैं यहाँ गांव में कठपुतली का नाटक करवाऊँ। उसके लिए कुछ कठपुतली बनानी पड़ेगी, ज़्यादातर वो रंगीले पुराने कपड़ों की बनती है। अगर तुम्हें ऐसे पुराने कपड़े मिले तो मुझे ला के देना। यार ये डेमो है, अभी गेम आया भी नहीं और इतनी सारी चीज़ें हैं इस गेम के अंदर, और डेमो तो हम ख़त्म करके रहेंगे, चाहे मुझे दूसरा पार्ट बनाना पड़े, इसमें मज़ा तो आ रहा है। तो देवी से बात करो, देवी को पार्सल दो और उनसे काम की बात करो। यार काफ़ी सारे मिशन आ गए हैं मुझे, 4 मिशन है मेरे पास एक्टिव। तो ये तो मीना है, ये देवी है, ठीक है। ये मेरी इन्वेंट्री आ गई, लगाओ। ये ले लेता हूँ पहले कुछ सामान। रुस्तम जी, हमारी धरती और प्रकृति के बारे में जानकर कितना अच्छा लगता है। इस धरती के हर एक पेड़ पौधे से मनुष्य ये कितना लाभ होता है, चाहे वो अशुद्ध अशुद्धि औषधि की तरह हो, या माँ खाने की, या फिर सुगंध की तरह हो। तो तुम्हारी गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई, तो मेरे साथ ही बन जाओ और मेरे लिए कुछ जड़ी बूटी ले आओ। इन सब की खोज करके बहुत मज़ा आता है। अच्छा, इसने जड़ी बूटी को पहचान पाना आसान नहीं, कुछ मिली तुम्हें? अच्छा, मिली तो है यार, तुलसी की पत्ती, सेज की पत्ती। वाह, सेज की पत्ती बहुत उपयोगी जड़ी बूटी, जो अच्छी सेहत और खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। कुछ और बड़ी जड़ी बूटी मिले तो लेके आना, मैं उसके तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। तुम्हें ये काम अच्छा लगे तो मैं तुम्हें औषधि या अचार बनाना सिखाऊंगा। और ले लो भाई, बीज ले लो, और है मेरे पास, 10 रुपये मिल गए मुझे, 15 रुपये हो गए। ब्राह्म की पत्ती, ये सारी पत्तियाँ बेच ही देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए काम नहीं है, अभी कोई मिशन भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने इनको कुछ पत्तियाँ बेची हैं और मेरे पास पैसे हो गए हैं 50 रुपये। खाद है मेरे ख्याल से। अच्छा, चिकनी मिट्टी, अबे चिकनी मिट्टी, देवी से मिलते हैं। तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? ये पार्सल देना था आपको। रवि ने मेरे लिए इतनी सुंदर साड़ी भिजवाई है, ये तो कोटा सिल्क है, बहुत महंगी लगती है। जब से शहर गए हैं उनकी बहुत याद आती है। मुझे याद है वो दिन हमारी शादी के बाद, जब हमने ये ढाबा शुरू किया था, फिर वो अच्छी जॉब के लिए शहर चले गए। अब मेरे लिए दुकान संभालना मुश्किल पड़ रहा है। अच्छा है कि तुम काम करने यहाँ आए हो, पर तुम्हें काम के लायक बनना पड़ेगा। मेरे लिए एक काली चाय बनाओ, वो पुरानी मिट्टी की रसोई इस्तेमाल करो। उसके लिए एक बर्तन चाहिए, पुराना बर्तन टूट गया, तुम्हें ये नया बर्तन बनवाना पड़ेगा लता की दुकान से। चाय पत्ती और तंदूर के लिए लकड़ी ज़रूर ढूंढ लेना, ये सब आसपास मिल जाएगा। अच्छा, तो मुझे लता के पास जाना है, लता पीछे थी। तो मेरा मिशन कहाँ है? पालक उगाओ खेती के लिए प्लॉट, देवी का मिशन है लता से मिट्टी की बर्तन लो, चाय की पत्ती ढूंढो। अब यार मैंने चाय की पत्ती भेज दी अभी। तंदूर के लिए लकड़ी ढूंढो, देवी के लिए काली चाय बनाओ। तो पहले हम फादर के लिए करते हैं, खेती के लिए 500 जमा करना है और खाद जमा करनी है। पालक उगाओ, किराने की दुकान से पालक के बीज खरीदो, बगीचे में पालक बेचो। अब मैं पालक खरीद सकता हूँ, याद आ गया, इसने बोला था मुझे, सरिता ने बोला था ना। बीज लेके जाता हूँ और फिर लता से भी मिलूँगा। कैसे हो वीर, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पालक के बीज चाहिए, 3 दे दो, तो काफ़ी है। तो पालक के बीज तो मुझे मिल गए हैं, पालक के बीज खरीदो, ठीक है। मेरे पास है पालक के बीज,
और मुझे करना क्या है, बगीचे में पालक बेचो और मुझे लता से मिट्टी के बर्तन बनाने हैं। ठीक है, तो कुछ सामान भी यहाँ से ले लेता हूँ, मुझे कुछ सामान उठाना है, लकड़ी, चाय की पत्ती वगैरह, तो ढूंढ लेते हैं। यहाँ नहीं है कुछ, शायद राइट की तरफ जाना चाहिए, ढाबे की साइड राइट पे कुछ होगा। ठीक है, अच्छा, इसने तो काम दिया था, इसके पास सब कुछ नहीं है। अच्छा, ये रास्ता ब्लॉक है मेरे ख्याल से, जब नया गेम आएगा, मतलब गेम रिलीज होगा, तब आगे का गेम खुल जाएगा हमारे लिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, तो चाय की पत्ती ढूंढो, चाय की पत्ती ढूंढो, चाय की पत्ती ढूंढने की क्या जरूरत, चाय की पत्ती मैं खरीद भी सकता हूँ ना, मेरे पास 10 रुपये हैं, टाइम बचेगा, लकड़ी ढूंढनी पड़ेगी बस, लकड़ी मेरे पास होगी मेरे ख्याल से। चाय की पत्ती चाहिए मुझे, आलू के बीज, प्याज के बीज, यार चाय की पत्ती नहीं खरीद सकता मैं, कोई बात नहीं, ये स्कूल है शायद, ओके, स्कूल में अब जा नहीं सकता, अबे यार, मतलब 10वीं के एग्ज़ाम है और वो ऐसे छोड़ने पड़ेंगे। उठा लेते हैं यहाँ से कार्टमेंट के बीज, और ये आ गए अपने तुलसी के, तुलसी की पत्ती, लता आ गई, चाय की पत्ती हरी, चाय पत्ती एक काफ़ी होगी मेरे ख्याल से, और कुछ है, लकड़ियाँ ले लेता हूँ, हो जाएगा अभी मेरे ख्याल से इसका काम। लता बर्तन, यारा तुम देवी की पुरानी रसोई वापस चला रहे हो, बहुत अच्छा है, उस रसोई में बने पकवान के स्वाद ही अलग है। तुम मेरे पुराने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पहिए को इस्तेमाल करके अपने बर्तन खुद बना सकते हो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, काफ़ी अच्छा काम है, बस तुम्हें चिकनी मिट्टी चाहिए, चिकनी मिट्टी भी है मेरे पास, ज़्यादातर चिकनी मिट्टी नदी के किनारे मिलती है, मेरे पास है चिकनी मिट्टी, मैं बना सकता हूँ। अबे यार और चाहिए, तो मुझे चिकनी मिट्टी नदी के किनारे से लेनी है, मेरे ख्याल से मुझे राइट जाना होगा यहाँ से, मिल गई, अब हम बर्तन बना सकते हैं, नाइस। एक साधारण मिट्टी का बर्तन पकाने और उबालने के लिए, ठीक है, बढ़िया, और हमारे बर्तन बन चुका है, ठीक है, बर्तन बन गया, बस देवी चाय की पत्ती ढूंढो, तंदूर के लिए लकड़ी ढूंढो, देवी के लिए खाली चाय बनाओ। अच्छा, मेरे ख्याल से अब इस पर डालनी पड़ेगी तंदूर में, क्या करना है मुझे, मिट्टी का बर्तन तो बन गया है, बर्तन, तुम देवी की पुरानी रसोई वापस चला रहे हो, अच्छा ये तो मैंने कर दिया है यार, बर्तन तो मैंने बना दिया ना, चिकनी मिट्टी, एक साधारण मिट्टी का बर्तन, पॉटरी वर्कशॉप रिपेयर मैंने करा तो है यार, मेरे पास है क्या, एक सेकेंड, मिट्टी का बर्तन मिल गया मुझे, ठीक है, बता नहीं रहे मुझे, अब चाय बनाने जाना है, बट मुझे उससे भी मिलना है, पहले मेन मिशन कर लेते हैं, चिकनी मिट्टी और है यहाँ पे, तो अभी बनी नहीं है, चिकनी मिट्टी चिकनी नहीं हुई है, अभी तक चाय नहीं बनाई, भाई यार कैसे ऑर्डर दे रही है, सुलेमानी चाय, शहद और नींबू से बनी खट्टी मीठी चाय, उबले हुए अंडे, उबले हुए अंडों में नमक मिर्च डालकर बना सस्ता स्वस्थ और स्वादिष्ट पकवान, तो अभी मेरे पास खाली चाय बनाने का ऑप्शन है, क्योंकि तो मैं काफ़ी चार चाय बना सकता हूँ, तो एक ही बना के देते हैं, मैडम को एक ही चाहिए थी, नीचे बन रही है, बढ़िया चलते हैं, चाय बना ली, देखते हैं कैसी है, बुरी नहीं है तुम्हारी पहली चाय के लिए, अब तुम और चाय पकवान बना सकते हो, ग्राहक को खुश करो और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, टी टाइम पे यहाँ आ जाना, सब लोग उसी टाइम आते हैं,
इट्स टी टाइम, ढाबे पे जाओ या फिर बाद में। बाद में जाऊंगा यार मैं, अभी मुझे थोड़ा और काम करना है, मिशन आए हुए हैं साइड के। किराने की दुकान से पालक के बीज खरीदो, और क्या चलना है, बगीचे में पालक बीजो बीजो। अच्छा मुझे बगीचे जाना है अपने, चलते हैं फिर। वाओ साउंड बहुत बढ़िया यार गेम का, नदी का। आगे चलते हैं, आगे नहीं वापस जाना है मुझे, मेरे ख्याल से मैं आया किधर से था मुझे याद भी नहीं है, शायद हाँ यही है। अच्छा अंडे भी ले सकता हूँ मैं, पानी पंप हैंड पंप से ले। अच्छा गेम है ये मैनेजमेंट का। हमारा बाग मेरे ख्याल से पीछे खेत है हमारा बड़ा वाला। ओ भाई कितना बड़ा खेत है। कार्टविंड के बीज मिल गए, सूरजमुखी के बीज मिल गए, और अजदाइल के बीज। मुझे पहले पता होता मैं बीज बेचता नहीं, हम आ जाते हैं, बट कोई बात नहीं, पैसे मिले उसकी वजह से मिशन भी पूरा हुआ है आगे के। सही करा, घर में जा सकता हूँ मैं, बट जाके करूँगा क्या। पानी डालते हैं इसे, टमाटर के बीज को। अब मुझे पालक बोना है ना मेरे ख्याल से, बगीचे में पालक बीज बीजो। नया दिन शुरू करने के लिए बिस्तर पे सो जाओ, बट मुझे बीज लगाने हैं पहले, अब इतना काम हो ही गया है तो वहाँ पे लगा देते हैं, के बाद सो जाएंगे। चलो भैया आप चलते हैं। यार इतना बढ़िया गेम है, कोई बात क्यों नहीं कर रहे इस गेम के बारे में। अच्छा नया दिन शुरू हो गया, अच्छा खेती के लिए 500 रुपये जमा करना है, उसके बाद 20 खाद जमा करनी है। मेरे पास पैसे हो गए हैं 20 रुपये। झील के किनारे मुट्ठू से मिलो और उसे छुरी की याद दिलाओ, मीना की छुरी वापस लाओ। यार एक दिन हो गया पूरा, पापा क्या कहते हैं, ये प्लॉट तैयार करने के लिए 500 रुपये और 20 खाद लगेगी। अच्छा 500 रुपये लाने हैं मुझे कमाने हैं किसी तरह। मैं बीज बेच के भी ला सकता हूँ, बट पता नहीं बीजों से इतना पैसा मिलेगा मुझे, पर हर एक पैसा भाई काउंट होता है तो जमा कर दें। ओके बीज तो अभी बोए ही जा रहे हैं, यहाँ से कुछ बीज ले लेते हैं हम, या पत्तियाँ, तुलसी की पत्ती, सूखी लकड़ियाँ, चाय की पत्ती, सूखी लकड़ी, तुलसी की पत्ती, मुझे सारी याद भी हो गई देखते हैं। ये भूल जाता हूँ, कार्टमेंट के बीज और सूरजमुखी बीज। मट्टू तेरे लिए मिशन है। हाँ अरे मैं माँ की छुरी वापस देने ही भूल गया, राज की वर्कशॉप पे तेज करवाने को दी है। वीर मेरे दोस्त थोड़ी मदद कर दो, राज से छुरी ले लो और माँ को वापस दे दो, माँ नाराज़ हो जाएगी और बोलेगी कि मैं उनकी परवाह नहीं करता। अच्छा ठीक है,
हमारी दुकान पर आपका स्वागत है। हाँ, मुट्ठू ने मुझे ये बोती दी थी टेस्ट करने के लिए। उसने पैसे भी दे दिए थे पर वापस लेने नहीं आया। लगता है उसने तुम्हें ये काम दिया है। ये लो, ले जाओ। ध्यान रखना, धार तेज है। तुम मेरी छुरी ले आए? बहुत धन्यवाद। ये लो एक मछली, बढ़िया मच्छ फ्राई करना है ना। अच्छा, नई रेसिपी दे दिया मैं। रुस्तम से मिलते हैं, जल्दी बूटी भेजो। अच्छा, मुझे करना क्या है अब मुझे डायरेक्ट अब मिशन करना है। जल्दी बूटी भेजो, ठीक है। सब खरीद लो भाई, 55 रुपये हो गए हैं मेरे पास। अब मुझे नॉर्मली सरवाइव करना है इसके अंदर। अब सारा मैंने जो करने थे मिशन सारे हो गए हैं। सरिता से बात करते हैं। सब्जी बेचो। अच्छा, मुझे सब्ज़ी अपनी बेच सकता हूँ मैं, ठीक है। इनके पास जाना है, सैम के पास। काम मिल गया तुम्हें? देवी सख्ती से काम करवाती है पर पैसे अच्छी है, वैसे अच्छी है। समय पर और उच्चे और अच्छे से काम करना और वो तुम्हें पैसे देगी। एक और बात, मैंने बस अभी हेडमास्टर प्रेम से बात कर रहा था। वो कुछ स्कूल इवेंट के लिए हॉल साफ करवाना चाहते हैं। तुम जाके सफाई का काम करो, वो तुम्हें पैसे देंगे। जाओ उनसे स्कूल जाके मिलो, बताना कि मैंने भेजा है। चाहे मेरा स्कूल है, एक ही स्कूल है तो हमारे ही होगा। दरवाजा पे ताला है। तो बहुत बड़ा ग्राउंड है यार, मुझे अपना स्कूल याद आ गया। ऐसे तो ऐसा नहीं था बट भगवान तुम्हारा भला करे। डीएम साहब मेरे पीछे पड़े हैं तुम्हारे गांव में एक संस्कृत प्रोग्राम करवाने के लिए। कहते हैं कि गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है। मैंने तुम लोगों को एग्ज़ाम पेपर मार्किंग में इतना उलझा हुआ था कि इस बारे में तो भूल ही गया। टीचर बताते हैं कि तुम पेंटिंग में अच्छे हो। मैं तुम्हारा नाम इस प्रोग्राम में डाल रहा हूँ। अपनी गर्मी की छुट्टियों में सब पेंटिंग्स बनाओ। सब जिम्मेदारी तुम पर ही है। सफाई का काम? हाँ हाँ, वो भी करना है। जो ये हॉल है मेरे पीछे, उसमें जाकर सफाई करो और अपनी एक पेंटिंग दीवार पे लगाओ। ये लो हॉल की चाबी। कचरा। कम्युनिटी हॉल की सफाई करो, अपने कमरे में जाकर पेंटिंग बनाओ और अपनी पेंटिंग दीवार पर लगाओ। अच्छा, तो हमें घर जाना है और पेंटिंग बनानी है, ठीक है। मैं तुलसी के पत्ते वत्ते ये सब भी लेना चाहता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी मुझे। रास्ते में अगर बने होंगे मतलब तैयार है ये सब चीज़ें। से खाद मिल गई। कंट्रोल्स अच्छे हैं इस गेम के काफ़ी, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही कंट्रोल्स को देखे मैं देखूँ तो। बीज लगा लेते हैं इतने हम अंदर जाने से पहले। मुझे पानी चाहिए होगा थोड़ा ना, बर्मे से कम पड़ रहा है।
मिल गया पानी, पानी डालते हैं उसके बाद पेंटिंग बनाएंगे जाके। पेंटिंग का ऑप्शन आ रहा है, खिड़की खिड़की से नजरा नज़ारा। हर सुबह इस नज़ारे को देखा हूँ, इस पेंटिंग के लिए रेफरेंसेस मुझे गार्डन में मिलेंगे। अच्छा, मतलब पेंटिंग के लिए रेफरेंस के लिए सारे रेफरेंस जोड़ो। अबे ये क्या दिक्कत है भाई, अभी नहीं सो सकता। तो गार्डन में क्या करूँगा मैं, ये प्रोलॉग होने के बावजूद, मतलब अभी गेम में इतना कुछ है नहीं, उसके हिसाब से भी काफ़ी बड़ा गेम है ये, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें करने के लिए। ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बट काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है इसमें चीज़ें ढूंढने के लिए। मुट्ठू से बात करते हैं, मुट्ठू वैसे 2 दिन कह रहा था, उसमें 2 दिन लगेंगे, अभी तक तो हुआ नहीं। अभी नहीं, एक और दिन लगेगा, लग जाएगा इसमें तो। अच्छा अच्छा हाँ सॉरी, 2 दिन हुए नहीं हैं अभी, एक ही दिन हुआ है, पर दिन इतने लंबे जा रहे हैं मेरे ध्यान में लग नहीं रहा था ये। तो अभी पेंटिंग दीवार पे लगाओ, पर दीवार पे पेंटिंग लगाने से पहले मुझे पहले बनानी भी पड़ेगी, बनाने के लिए मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन चाहिए। अच्छा, हमारा हैंडपम्प साफ और मिट्टी पानी के साधन पर, कभी कभी गंदा पानी भी आता है, पर कोई बात नहीं। अच्छा, और रेफरेंस ढूंढना मुझे, ओके समझ गया। मैं अपने खेत में जाकर मैं देख रहा हूँ क्या पेंट कर सकता हूँ। हमारे खेत, पिताजी बहुत मेहनत करते हैं पर फिर भी कभी कभी फसल में नुकसान होता है। ये बगीचा माँ संभालती हैं, उनके गुजरने के बाद अब बस एक पौधा बचा है, उनकी बहुत याद आती है। सुंदर छायादार पेड़ जिसमें मैं बचपन में चढ़ता था, एक बार गिर के टांग भी खुलवा रही थी। ओए पेंटिंग बना रही, बढ़िया नाइस। मतलब रेफरेंस लिए मैंने, एग्जैक्ट पेंटिंग नहीं बनाई अपने घर की, बट उसकी तरह बना लिया, सही है बनी हुई पेंटिंग। तो अब मुझे स्कूल में लगानी है, स्कूल हॉल में चलते हैं फिर, और अपनी पेंटिंग को चिपका देते हैं स्कूल की दीवार पे। उसके बाद दुकान भी संभालनी है, यहाँ से चिकनी मिट्टी मिल जाएगी, एक बार ले लेता हूँ। मतलब इस गेम में यही है कि जितनी चार्जी चीज़ें, चार्जी कह रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें जमा कर सकते हैं उतनी कर लेनी चाहिए इस गेम में। अगर एक रास्ते पे मैं जा रहा हूँ तो बहुत फ़ायदा है इसमें, और इन्वेंट्री की कोई लिमिट नहीं है, मैंने नोटिस करा कि मतलब मैं चीज़ें भर सकता हूँ अपनी, जैसे यहाँ पे दिखाया अभी ये इन्वेंट्री है तो उसके अंदर मैं सामान भर ही सकता हूँ, भर ही जा रहा हूँ मतलब, क्योंकि बढ़िया चीज़ है, मैनेजमेंट का गेम है। कई गेमों में ऐसा होता है कि लिमिट होती है, तुम इतनी चीज़ें ही भर सकते हो एक बार में, इसकी वजह से गेम फालतू में लंबा हो जाता है, इधर उधर चक्कर लगाते रहो। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है इस गेम की। स्कूल जाते हैं अभी, पेंटिंग लगाते हैं अपनी, और मास्टर जी से बात करनी है। यहाँ लगा देते हैं, चलो जी हो गया अपना काम, टीचर से बात करते हैं। बहुत बढ़िया, अब मेहनत करो और पूरी दीवार पे अपनी पेंटिंग्स लगाओ, बड़े सरकार लोग आ रहे हैं देखने, उन सबको मेरा काम अच्छा लगना चाहिए, और मेरा मतलब स्कूल का काम अच्छा लगना चाहिए। ये लो सफाई के पैसे रख लो, 50 रुपये पोटली बोल रहा है, 50 की पोटली। अबे भाई ये तो बढ़िया है, तो अब मुझे यानी पेंटिंग्स और बनानी पड़ेंगी, ये तो पैसे दे रहा भाई, सही है। अभी क्या करना चाहिए मुझे, मुझे दुकान पे जाना चाहिए, देवी से बात करता हूँ। कभी कभी बस एक चाय की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में, ये लो चाय बना लेते हैं मैडम आपके लिए। और क्या क्या बना सकता हूँ मैं, उबले हुए अंडे बना सकता हूँ, फ्राई मछली नहीं बना पाऊँगा, ऑयल नहीं है मेरे पास, और नींबू चाहिए मुझे। पहले अंडे बना लेते हैं, उबले हुए अंडे 2 बना लेते हैं,
दो उबले हुए अंडे और उसके बाद मछली फ्राई और आपका सुलेमानी चाय। तो मेन्यू तैयार करके रख लेता हूँ, ठीक है। हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा, ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो खाना तैयार हो रहा है, देखते हैं जी। हाँ जी, तो अभी मेरे पास खाने में क्या क्या है, मेरे पास काली चाय बनी पड़ी है। कभी कभी बस एक चाय की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में। अबे मैं क्या चाह रही है तू मेरे से? सरिता भाभी से सब्जी बेचते हैं, टमाटर। ओ भाई 135 रुपये, बाय। अच्छा इनके पास तो कुछ भी नहीं, अंकल के पास अखबार पढ़ते रहते हैं। इससे बीज लेने हैं। कैसे हो वीर, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे टमाटर के बीज चाहिए, बंद गोभी के बीज ले लेते हैं, चावल गेहूँ, मुझे ऑयल भी चाहिए। ऑयल बहुत महंगा है यार, सूरजमुखी का बीज लेना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा पालक के बीज ले लिए, टमाटर के बीज ले लिए 5, और बैंगन के बीज, प्याज के बीज, आलू के बीज, बस इतना काफ़ी। 5 ही रुपये बचे हैं मेरे पास। फिर कठपुतली वाले सतरुल जी, मज़े कर रहे हो वीर? तुम्हें कोई पुराने कपड़े मिले क्या? नहीं यार, पुराने कपड़े तो नहीं है मेरे पास। हम मीना से मिलते हैं। दुकान, अच्छा तो ये मछलियाँ बेचती हैं जो कि मैं मछली इनसे ले सकता हूँ। अंडा, अंडे की ज़रूरत नहीं है अभी। उबले हुए अंडे बना लेते हैं पहले। तो क्या अगर मैं छोड़ देता हूँ रास्ते में तो क्या मतलब ये मतलब बनेंगे नहीं क्या? मैं समझा नहीं है। जब भी मैंने मेन्यू पीछे हटा दिया तो ये मैं बना भी रहा था और एकदम से गायब हो गई चीज़ में, समझ नहीं पाया मैं। उबले हुए अंडे अगर मैं अपनी इन्वेंट्री में चेक करूँ, अच्छा वो बने नहीं थे, समझ गया समझ गया समझ गया। चल नींबू चाहिए मुझे, नींबू चाहिए यार। सब्जी बेचो यार, नींबू कहाँ से लूँगा मैं? फर्नीचर यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं। अच्छा अब तो मुझे ग्रीन वाली ये लोडिंग ना होनी देनी पड़ेगी, तो इसमें मुझे अब वेट करना है और देखते रहना है। गेम को खुद ही अपने आप से करता रहेगा ये, और काफ़ी लंबा हमने रिकॉर्ड कर लिया है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का एपिसोड होने वाला है। तो मैं इसे थोड़ा यहाँ पे बंद कर देता हूँ, बट गेम अभी काफ़ी आगे बढ़ेगा क्योंकि मुझे 500 रुपये अभी भी जमा करने हैं और 500 रुपये तो हो नहीं पा रहे हैं अभी। बट इस गेम पे मैं वापस ज़रूर आऊँगा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और जब ये रिलीज़ होगा तो मैं इस गेम को 100% ख़रीदूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस डेवलपर को सपोर्ट करेंगे ताकि ये और इंडियन बेस्ड गेम निकालते रहे क्वालिटी वाले, मतलब PC पे। अच्छा जी, तो हमारे पास अब क्या हो गया है? 3 काली चाय हैं, 3 उबले हुए अंडे हैं, और क्या बोल लिए? कभी कभी बस एक चाय की ज़रूरत होती है ज़िंदगी सॉरी ज़िंदगी में, और कुछ भी बोला था इसने। जीवन के सफ़र चाय के बिना नहीं चलता। ओके ठीक है, और रेसिपीज़ वगैरह भी हैं जो हम जमा कर सकते हैं बाद में। अभी जाके हम थोड़े बीज बेच देते हैं रस्तम को। जड़ी बूटी बेचो। तो ब्राह्मी की पत्ती मुझे नहीं चाहिए, सेज की पत्ती भी मतलब काम की नहीं है अभी, तो आप ले लो, मुझे 15 रुपये दे दो, दिन ख़त्म होने वाला है। अपने बीज बीज को पानी डालते हैं, चलते हैं, खेती भी संभालनी है। चाय की पत्ती सही है, दिन भी पूरा होने वाला है फिर मैं सो जाऊंगा, अंडे निकाल लेते हैं। काफ़ी लंबा दिन है इस गेम में, मतलब बहुत इंप्रेसिव चीज़ है क्योंकि ज़्यादातर गेमों में दिन बहुत छोटे दिखाते हैं, इसमें पूरा प्रॉपर दिन दिखाया है। इसका दूध भी ले लेना है। बहुत बढ़िया, अब चलते हैं अपना। भैंस गाय भी सो रही है, पानी डालने की भी तो ज़रूरत नहीं है वैसे।
ढाबे पे जाओ। अरे चाय का टाइम हो गया, चलो चलो चलते हैं। वीर तुम रसोई बंद करना चाहते हो? हाँ काम खत्म हो गया, अभी नहीं। अच्छा इन्हें चाय देनी है दादा को। मैं देखने आती आई थी कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। अब कुछ चाय बनाना तो सीख ही गए होगे। पूरा दिन कमहारी करके बहुत थक गई हूँ, अब इसे गर्म चाय चाहिए। आह ये चाय थी। हमारे पास एक पुरानी छपरी पड़ी है, एक काम करो तुम उसे यहाँ रख लो, कुछ और ग्राहक के लिए जगह बन जाएगी। कल वर्कशॉप पे आओ और राज से बात करो, तुम्हें इस चाय की दुकान को बढ़िया बना के नए ग्राहक ला सकते हो। वर्कशॉप से फर्नीचर उठाओ, ढाबे पे फर्नीचर रखो। बंद कर दें दुकान, अब और कोई ग्राहक है भी नहीं। दुकान बंद हुई। यार मैं सोया भी नहीं हूँ, मुझे सोना है जाके। आधी रात हो रही है, कोई मॉन्स्टर ना आ जाए। ओ माय गॉड, के खेत में बहुत मॉन्स्टर होते हैं ना गाँव में। सुना ज़रा, अभी ये कौन है? मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए एक जगह ढूंढने में। इस गांव में पुरानी रियासत के कुछ खंडर हैं, मुझे इस तरह के खंडर को खोजना पसंद है। ये गांव मेरी फैमिली का नेटिव है। रुको एक मिनट, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम वीर हो ना? हम दोनों 5वीं तक क्लासमेट्स थे, याद है तुम्हें? मैं सवी, हेडमास्टर की बेटी। 5वीं के बाद मैंने स्कूल बदल लिया था शहर में। अब मैं यहाँ आई हूँ समर वेकेशन में। इस गांव की मुझे बहुत याद आती है, सब कुछ वैसा ही है। और बताओ तुम कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ या फिर ठीक है सब? ज़िंदगी कठोर है। ठीक ठाक है सब, बहुत अच्छा हूँ, सुन के अच्छा लगा। पता है यहाँ पास में एक जगह है, कल इनको खोजने चलते हैं खंडर में, खंडर वगैरह, क्या कहते हो, मज़ा आएगा। मैंने बचपन में यहाँ का एक मैप बनाया था, इसको तुम रख लो, काम आएगा। कल सुबह मिलते हैं वहाँ पर। मैप खोलो, एम दबाओ। वो बढ़िया है, ऐसे ज़रूरत नहीं है बट ठीक है। अभी तो मैं सोने जाता हूँ। सभी के खंडर के पास सभी को खंडर के पास मेरे लोकेशन मैप है, ठीक है अभी सोते हैं जाके। अब भाई मुट्ठू ने वो भी तोड़ देगा ना, पेड़ भी ख़त्म हो जाएगा कल। यानी मुट्ठू जो जगह पे काम कर रहा था वो भी खुल जाना चाहिए। उठते हैं, अरे ये सुबह ही सुबह आ गई यार। हाय क्या ये तुम्हारा खेत है? बहुत सुंदर है। मैं बस अभी खंडर तक जा रही हूँ, पर रास्ते में एक सीधी सीढ़ी टूटी हुई है। अच्छा वो वाली सीढ़ी याद है मुझे, आज तो लकी ख़राब था, बहुत मन था मेरा वहाँ जाने का। तुम्हें पता है कोई जो सीढ़ियों को ठीक करे, खंडर की जो सीढ़ी ठीक कर सके उसको ढूंढो, सीढ़ी को ठीक करवाओ। मीट सविता दरवन। अभी नहीं कर रहा मैं, पहले मुझे खेतों को पानी देना। मेरे बीज कहाँ गए? ओ मुझे पहले बीज लगाने हैं। खेत में पहले अपने में बीज लगा लूँ जल्दी से बहुत सारे, उसके बाद करते हैं। पालक का बीज यहाँ पे लगा देते हैं, बहुत सारे बीज आ गए यार मेरे पास। तो पानी भी सब में डालना पड़ेगा क्योंकि मैं खंडर में जाऊँगा, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, सारा काम अभी से करना पड़ेगा मुझे। मज़ा आ रहा है यार गेम में। टमाटर के बीज के लिए जगह चाहिए अच्छी खासी, इन्हें यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और बैंगन के बीज, आलू का बीज, ये नहीं लग पाएगा यार, अब जगह नहीं है। तो लग गया, लग गए भी तो सारे लग जाए तो बढ़िया ही है, टाइम बचेगा अपना, बाद में बीज लगाना नहीं पड़ेगा। और पानी दे दूंगा सबको इकट्ठा। एक दो तीन चार 10 10 जगहों पे पानी डालना है मुझे, यानी वहाँ 20 चक्कर लगेंगे भाई, देखते हैं।
भाई यार बहुत टाइम लगेगा इसमें, मैं बस थोड़े से बीजों को पानी देता हूँ जो तैयार होने वाले, फिर चलते हैं अपना वर्कशॉप पे चलना है, उसके बाद तो ढाबे वाली दुकान से ही करनी है अपनी, फिर अपना सीढ़ी वाला काम देखेंगे। अब ख़त्म हो जाएगा पानी मेरे ख्याल से, बाद में डालता हूँ उन्हें पानी। पापा से बात करते हैं, ये प्लॉट तैयार करने के लिए तुम्हें दोबारा वही करना पड़ेगा जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। ये तो ये बोले जा रहे हैं कि 500 रुपये लाओ और 10 खाद लाओ। मुट्ठू ने यहाँ पे रास्ता खोल दिया था मेरे ख्याल से, हाँ खुल गया। तो मुट्ठू है कहाँ? तो मुझे ये तो पता है यहाँ पे सीढ़ी है, सीढ़ी सही करने वाला मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा कौन है। एक टूटी हुई सीढ़ी, जो सीढ़ी ठीक कर सके उसको ढूंढो, सीढ़ी को ठीक करवाओ, मीट सभी एट द रुइंस। कहती है रास्ता खुला यहीं पे कोई हो जो मेरी मदद करे। हाँ यही करेगा मट्टू, मट्टू ही सही कर पाएगा। वीर यार क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नई पेंटिंग बना रहे होगे? पता है एक ज़बरदस्त जगह मिली है पेंटिंग बनाने के लिए, वहाँ पे मेंढक जैसी पहाड़ी के पास है, झील उसके पार, कभी जाकर देखना। ठीक है जाऊँगा, बट थोड़ी मदद चाहिए थी मुट्टू। तुम बिजी हो तो तुम्हारी मदद नहीं ले पाऊँगा मैं। कैलेंडुला के पत्ती, खंडर सा है तो शायद यही खंडर बनाने के लिए कह रही है। नहीं ये खंडर नहीं है, यहाँ पे तो फिर पेड़ की जरूरत नहीं है, सॉरी ये नहीं है वो जगह जहाँ पे वो आने के लिए कह रही है सती। तो अभी हम चलते हैं पहले फर्नीचर सेट कर लेते हैं दुकान के लिए, ढाबे के लिए। राज ने तुम्हारे लिए चरपाई निकाल के रखी है, उसे लेकर अपने ढाबे पे रख लो। नया फर्नीचर बनवाने के लिए भी राज से बात करना। हमारी दुकान पे आपका स्वागत है। लता बता रही थी तुम्हारे ढाबे के बारे में, मैंने ये चरपाई निकाल के रखी है, इसको ले जाओ और अपने ढाबे में रख लो। जेब में डाल ली चरपाई, चलते हैं फिर वापस ढाबे की ओर। ये बढ़िया चीज़ दी है वैसे उसने मैप लड़की ने, वो मुझे इससे पता रहेगा कि हाँ मुझे कहाँ जाना है, बाज़ार, मेरा घर और रॉयल बाथ रुइंस। तो ये हमें यहाँ पे जाना है मेरे ख्याल से, रास्ता यहाँ से क्रॉस करके इधर, और आपका ये स्कूल आ गया, ये बाज़ार आ गया। चलते हैं फिर, ये क्या चीज़ है? अच्छा बस इतना ही है मैप, अभी तो इतना ही है, गेम जब आएगा नया मेरे ख्याल से और बढ़ जाएगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, ढाबे पे फर्नीचर को। बढ़िया, जो सीढ़ी ठीक कर सके उससे बात करो। कौन ठीक करेगा सीढ़ी? रुस्तम, तुम्हें मैं बेचना चाहूंगा साग की पत्ती और कलिंदुलू की पत्ती। तुलसी की पत्ती काम आ जाएगी मेरे, मुझे ऐसा लगता है, बट नहीं ले लो।
जरूरत नहीं है अभी। जीवन के सफर चाय के बिना नहीं अच्छा लगता, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे तेल लेना है यार, ये बटे तेल लेने नहीं है। कह रही सूरजमुखी के बीज, भाई मेरे पास सूरजमुखी के बीज होंगे तो मैं तेल क्यों क्यों लूँगा। अजीब ही नखरे हैं सबके। और मुझे उसे ढूंढना है जो मजे कर रहे हो वीर। शायद इनसे बात करूँ मैं, सैम से। यार ये भी नहीं बता रहा कुछ, कौन सही करेगा कुछ सीढ़ी। सीढ़ी कौन सही करेगा भाई, मुट्ठू तो करने रहा, मुट्ठू ही लग रहा था मुझे करने करने चाहता भी जो कर करना। मेरे ख्याल से मुझे उसके पास जाना चाहिए, राज के पास। शायद राज ही कर पाएगा। हाँ हमारी दुकान पे आपका स्वागत है। टूटी हुई सीढ़ी, अबे आ तो रहा है यार, मैं इतनी दूर गया फालतू में। एक टूटी हुई सीढ़ी, उसके लिए 3 बांस और 100 रुपये लगेंगे। हमारी दुकान पे आपका स्वागत है। 3 बांस और 100 रुपये लगेंगे। मेरे पास बांस तो है बट मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से मुझे कुछ बेचना चाहिए। पत्ती वत्ती बेच देता हूँ मैं, तो अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से थोड़े फूल पत्ती ले लेता हूँ। इंडियन क्रेस का बीज, अच्छा हो गया बस अपना काम भी। खाद ले लेते हैं यहाँ से। ये आ गया आपके कुछ ब्राह्मी की पत्ती, अलजय की बीज, थोड़ी और खाद। काफ़ी बड़ा एरिया है, तो बलवीर आ गया। वापस चलते हैं और रुस्तम के पास भेज देते हैं इन बीजों को। मेरे ख्याल से 5 रुपये तो दे ही देगा। 5 रुपये, हाँ मेरे ख्याल से, हाँ 5 रुपये दे देने चाहिए। वैसे 10 रुपये देता है वो हर बीज के। हो गए 100 रुपये, चलते हैं अब राज के पास। जो रखा था, जो कहा था तुम्हें, तुम ले आए। मैं भी इसको ठीक कर दूंगा। अच्छा सीढ़ी को ठीक करवा दो। हमारी दुकान पे आपका स्वागत है। टूटी हुई सीढ़ी, एक टूटी हुई सीढ़ी, उसके लिए 3 बांस और 100 रुपये लगेंगे। भाई मैंने बोला तो मेरे पास है यार, दे क्यों नहीं रहे। उसके लिए 3 बांस और 100 रुपये लगेंगे। यार बांस तो है मेरे पास, 100 रुपये ले भी लिए इसने, सीढ़ी नहीं दी मुझे। भाई ये तो सीढ़ी के पैसे ले गया, फ्रॉड आदमी। अबे भाई मेरे पैसे दे, सीढ़ी गए। अरे भाई स्कैम कर गया ये। अरे यार ये क्या हुआ है भाई, कहाँ भाग गया ये। ओ भाई लता, ओ लता कहाँ है तेरा पति। कोई बात नहीं भाई, मेरी सीढ़ी दे दे यार। अबे यार मुझे सीढ़ी है, मिल गई है क्या।
कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे। चलता हूँ मैं बाहर पीछे जाके देखूँगा। यार ये तो भाग गया राज। एक काम करना पड़ेगा, देख के देखना पड़ेगा हमें कि ये सीढ़ी चल पाएगी या नहीं। अबे अबे वाह भाई, मजाक कर रहा था मैं तो, आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा था कुछ भी। ये सीढ़ी तो बिल्कुल बेकार हो गई है, इसको तो पूरा दिन लगेगा ठीक करने में। अबे यार फिर क्या करूँ मैं, दुकान पे जाऊँगा अब, थोड़ा पानी भर लेता हूँ फिर पौधों को। यही रह गया, मैं खंडर में देखना चाहता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो बंद कर देंगे हम होपफुली। बस इतना सा, थोड़ा और पानी भरता हूँ उसके बाद दुकान पे जाऊंगा। अच्छा ओके, मैं बर्मा थोड़ा कम नीचे तक करता था तो पानी हल्का हल्का आता था, जल्दी जल्दी करना नहीं पड़ता था। अगर मैं देर तक दबाऊं तो पानी ज़्यादा निकलता है बर्मे में, ख़त्म फिर से पानी हैंडपम्प से निकालो। चलो आखिरी बार ले लेते हैं उसके बाद। ढाबे पे जाओ, चलते हैं। क्या चाहिए आपको, कौन सी चाय है? काली चाय धन्यवाद। वीर तुमने गर्मियों में ये भी काम पकड़ लिया, अच्छा है। कोई हर्बल चाय भी बनाते हो क्या? हर्बल चाय में काफ़ी लंबी लाभ होते हैं पता है तुम्हें, कुछ चाय को दवा के सामान पे भी होता है, तुम्हें भी यहाँ पे बनानी चाहिए। तुमसे चाय से शुरुआत कर सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं। और मेरे लिए एक तुलसी चाय का कप बनाओ ज़रा, तुलसी येरी, बहुत बढ़िया। तुलसी चाय बनानी है आपके लिए? अरे यार तुलसी नहीं है मेरे पास, घंटा कहाँ से बनाऊँगा मैं तुलसी भाई, वो मेरे को फंसा मत ऐसे। कुछ अंडे का आइटम है क्या? ये ले खा ले खा ले, नंगे आदमी पैसे भी दीजिए। रुस्तम तुमने तुलसी चाय बनाई है मेरे मेरे लिए? यार तुलसी चाय तो है नहीं, तुम रसोई बंद करना चाहते हो? अभी नहीं यार, तुलसी नहीं है मेरे पास, थोड़ी देर बाद में आना। अबे साले मुझे बोलना है ये दुकान पे, यार तुलसी नहीं है मेरे पास। सुलेमानी चाय है, अंडे हैं उबले हुए, और बस नॉर्मल चाय है। इसे नॉर्मल चाय दे देता हूँ भाई, मेरे पास नहीं है। सॉरी हाँ, उबले हुए अंडों में नमक मिर्च डालकर बना स्वास्थ्य और स्वादिष्ट पकवान तुलसी चाय, तनाव और दूर करने वाली और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चाय। शहद और नींबू से बनी खट्टी मीठी चाय, तली हुई मछली और मसाले से बना पकवान, ये लो रुस्तम भाई तुमने तुलसी बनाई में। अरे भाई नहीं है मेरे पास, तुलसी नहीं है मेरे पास, मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, कल दूंगा तुझे चाय बना के। पूछिए दुकान बंद करनी है, मैंने कहा काम खत्म हो गया, एक कस्टमर वहाँ पे बैठा हुआ भी है, वेट कर रहा है। अच्छा सब कुछ बंद हो गया, फिर अब मुझे घर ही जाना चाहिए।
यार मैं खंडर में जाना चाहता था बट इतना टाइम लग रहा है इसमें। थोड़ा खाद होगा? नहीं है। दूध निकाल लेते हैं। पानी डाल देता हूँ फिर सो जाता हूँ। हैंड पंप से पानी लाओ। सोने से पहले यार पानी डाल दूँ पौधों में। खत्म। अब चलते हैं अपना सोने में। और अगला दिन इसके बाद मैं गेम बंद करना चाहता हूँ। बहुत देर हो गई है खेलते हुए मुझे। 1 घंटे से ऊपर हो गई रिकॉर्डिंग बट होपफुली आप लोगों को पसंद आ रही होगी। है चलते हैं। मुझे करना क्या था? तुलसी चाय, तुलसी के पत्ते। यार एक ऑप्शन होना चाहिए जैसे होटल खुला हुआ है अगर मेरा चाय का भी तो मैं बाहर जा सकूँ। सब बंद सा हो जाता है, ऑप्शन नहीं है। तुलसी लेके भाग के आ जाऊँ मैं, ऐसा हो जाए। वाह देखो इस जगह को, लगता है कि बहुत पुराना शाही स्नान घर है। सोचो इतनी सुंदर इमारत के पीछे की कहानी क्या होगी। एक आइडिया है मेरे पास। ऐसा करो कि इस जगह एक पेंटिंग बनाओ अपने स्कूल के प्रोग्राम के लिए। मेरे बाबा ने बताया था कि तुम अकेले पार्टिसिपेंट हो। आसपास खोज के देखो, देखते खोज के देखे हैं तुम्हारी पेंटिंग के लिए कुछ रेफरेंस मिलेंगे। शाही स्नान घर, लगता है कि ये एक शाही स्नान घर था जो एक झरने के ऊपर बनाया गया था। पत्थर को काट के ये झरना बनाया गया है। इसका रूप कुछ अलौकिक जानवर जैसा है। इस ढाल पर बैठा ये पक्षी बहुत सुंदर है। इसको पेंटिंग में दर्शूंगा। देखो यहाँ पे एक बुजुर्ग रहते हैं, उनको शायद इस जगह के बारे में पता होगा। जाओ उनसे बात करके देखो। कहाँ है? रास्ता तो मिल नहीं रहा है। शायद इधर है, लेफ्ट की तरफ आई थिंक। कहाँ है बुजुर्ग? आम, अमरूद, लाइम मिल गया। वाओ अच्छा। अबे यार इसके तो बहुत बढ़िया पेड़ है। ये क्या है? रोज कारपेट का बीज। बेचारे के बीज जिसने बोए थे मैंने काट लिए, सॉरी। कैप्टन लाल, तुम कमला के बेटे हो ना? तुम्हारी माँ को मैं जानता हूँ, वो घरेलू औषधि में माहिर थी। उनके बनाए औषध से ही मैं अभी तक चल पा रहा हूँ। तुम यहाँ ये खंडर देखने आए हो लगता है। इनके इतिहास के बारे में मैं कुछ बता सकता हूँ। महाराजा दिवाकर देव के दिनों में ये एक शाही स्नान घर था जो एक पहाड़ी सोता पे बनाया गया था। लोग कहते हैं कि राजकुमारी अवंती राजा की इकलौती बेटी अपने गायकी की रिवाज के लिए यहाँ आती है। 1 मिनट रुको मैं और बताता हूँ। राजकुमारी अवंती, इनको मैं अपने साथी से साथ पानी के किनारे बैठ
के बैठे गायक की रियाज करते हुए दर्शाऊंगा। आ, राजकुमारी अवंती की कहानी। रुको, मैं कुछ भूल रहा हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। तुम्हारी माँ की बताई एक औषधि से याददाश्त वापस आ जाती है, उसके लिए मुझे 2 ब्राह्मी के गुच्छे ला कर दो। देखो, खंडर के पास कुछ उग रही है। उसके बाद हम अपना इतिहास की कपाट पारी पाठ जारी करेंगे। बाय। अच्छा, ढलती याददाश्त। कैप्टन लाल के लिए ब्राह्मी लेके आओ। उस बुजुर्ग आदमी ने तुम्हें काम पे लगा दिया? टिपिकल। तू क्या कर रही है? तू भी मदद करना, जल्दी खत्म होगा काम। अच्छा, ये है, ठीक है। ब्राह्मी की पत्ती 2 मिल गई। नाइस, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। वाह, बढ़िया, तुम ले आए। तो मैं बता रहा था कि राजकुमारी जो यहाँ आती थी, कहानी ये है कि एक जगह नाम के पड़ोस के इलाके का राजकुमार था। एक बार वो जब शिकार पे निकला तो भटक के यहाँ आ गया। उस टाइम पे राजकुमारी अवंती भी यहाँ थी। राजकुमारी की सुंदर आवाज़ को सुनकर वो राजकुमार छत पे चढ़ गया और वहाँ से उसने राजकुमारी को देखा। देखते ही वो राजकुमारी की तरफ आकर्षित हुआ और उसने ठान लिया कि वो और राजकुमारी से शादी करेगा। इसके बाद रियासत की कहानी में कई मोड़ आए और सब कुछ बदल गया, और यही कहानी है इन खंडरों की। इस बदतमीज़ राजकुमार को कहानी में छत पर बैठकर ताक झांक करते हुए दर्शाया गया है। अरे बढ़िया, नाइस, बनी हुई पेंटिंग। अब ये कहाँ गई सभी? मुट्ठू से मिलते हैं, ये एपिसोड भी ख़त्म करते हैं, बहुत टाइम हो गया। देख, इसके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, वो अपनी हाथ का सामान ले लेते हैं। इसमें लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है क्या? ओ हाँ, मैं चेंज भी कर सकता हूँ। बंगाल में भी है, बंगला में भी है, इंडोनेशियन, स्वीडिश में भी है। स्वीडिश, ओके। ये सभी कहाँ चली गई?
पेंटिंग लगानी है ना मुझे, मैं भी भूल जा रहा हूँ। कुछ पौधे मैंने नोटिस करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं उगने में दोबारा, और कुछ बहुत जल्दी आ जाते हैं, चाय की पत्ती और कुछ चीज़ें हैं मतलब जो जल्दी आ जाती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हैं अभी तक मतलब निकली नहीं है। जैसे मेरे जहाँ पे मुर्गी के बच्चे वगैरह हैं, अंडे जहाँ रखता हूँ मैं, वहाँ पे एक पौधा लगा हुआ है तो मैंने एक ही बार तोड़ा था, अब तक हुआ ही नहीं है वो, इतना टाइम लग रहा है उसमें। चिकनी मिट्टी भी बहुत टाइम लेती है, तो मतलब डिफरेंस है चीज़ों में, अलग अलग टाइम में वो अपडेट होती है। पेंटिंग लगा देते हैं अपनी। तो मेरे ख्याल से और पेंटिंग आएंगी, इस वजह से मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ इसमें यहाँ पे। तुलसी चाय बनाओ, एक तुलसी चाय रुस्तम के लिए बनाओ। क्या चाहिए? अच्छा, इससे मैं सामान ले सकता हूँ। राउट, मुझे मछली कहाँ से मिलेगी यार? अंडे, ठीक है अंडे ले लेता हूँ थोड़ा सा। कितनी मिट्टी तैयार है वाली, ये भी तैयार है। तुलसी के पत्ते भी चाहिए होंगे, अभी नहीं भेज रहा मैं पत्ते वगैरह, कि वैसे पैसे भी बहुत कम देता है बंदा, तो दिक्कत भी रहती है। कभी कभी बस एक चाय की ज़रूरत होती है ज़िंदगी। अबे यार तू कुछ नया बोल ले। अच्छा आप बना सकता हूँ मैं तुलसी चाय और सुलेमानी चाय भी, बहुत बढ़िया। बस मछली फ्राई नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि मेरे पास मछली का तेल नहीं है, मतलब तेल नहीं है बनाने के लिए, तो इसे पूरा होने देते हैं, बहुत टाइम लग रहा है इसमें। एक्चुअली इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं होपफुली, क्योंकि ये जब बन जाएगा तो मैं अगले एपिसोड में यहाँ से 100% कंटिन्यू करने वाला हूँ गेम को, एंड बहुत मज़ा आ रहा है इस गेम के अंदर। और ये गेम जब रिलीज़ होगा, मुझे पता नहीं मैं इसका अगला एपिसोड डालूंगा भी नहीं डालूंगा, अगर आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट करना, मैं इसका दूसरा एपिसोड बना के डाल सकता हूँ, उस गेम को ख़त्म कर देंगे हम। वैसे तो टाइम हुआ है, गेम अभी पूरा नहीं है, और जब पूरा आएगा मैं ज़रूर खेलूँगा, उसमें तो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, मैं खुद ही खेलने वाला हूँ, मज़ा आ रहा है इसमें। और इसके बहुत छोटे छोटे एपिसोड कर दूंगा मैं, आधे आधे घंटे के। ये बहुत बड़ा था क्योंकि मैं सोच रहा था गेम जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, बट अब तक ख़त्म नहीं हुआ है यार ये, तो मैं यही सोच के बैठा था कि जल्दी से ख़त्म कर दूंगा इस गेम को मैं, तो इसमें टाइम लग रहा है, बट गेम में काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत इंडियन टाइप का गेम है, अपने घर घरेलू जैसी चीज़ें हैं इसमें। तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ, बाय बाय।